तो गाइस इससे रेस कर लूं 90 पर से हाईवे पे भी है। ये देखो पानी ऊपर से गिरता नीचे जाता है ना, और ये देखें कहां जा रहा है। भाई पीछे ले जाना, भाई पीछे की जमा ये लो। हाय वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी गाइस सुबह के बज रहे हैं 3, सुबह कह लो या रात के कह लो। रैबा देखो मेरा बैग पैक कर रही है भाई, और ये देखें अभी चाय हम लोग पी रहे हैं। और इस बैग में क्या है आप लोग बताना कमेंट करके। ये हम दिखाएंगे जहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं अजमेर अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दिन से प्लान था। निकल रहे हैं फाइनली लग तो रहा है कि हाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल रहे हैं। है भाई लग तो रहा है भाई हमें। क्या था टाइम, कितना हो रहा है टाइम दिखा दो एक बार। 2:37 निकलते 3 ही बज जाएंगे हमें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल रहे हैं भाई, चाय वाय पी लें। और बस आराम से शोएब भाई को लेना हमें, और बस दिखाते हैं आपको आगे। अभी एक मेंबर हो रहे हैं, कमेंट कर लें भाई जल्दी से जब तक कौन है बता दें। लेट हुए हैं तो हम क्यों हुए होंगे, तो बस आप लोग बता दें। तो गाइस पैकिंग हो गई, डन हो गई, बज गए भाई 3 तो बज गए पूरे। टाइम दिखा दो भाई, 3 बज गए भाई, 3 बज गए। हो गया कुछ रात अभी, डन लगा देंगे कहीं। तो गाइस अब लोग हम निकल रहे हैं भाई, 3 बज चुके हैं, मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस अभी करा रहे हैं फिलअप, करा रहे हैं गाड़ी का भाई। आ चुका है 4000 रुपये फ्यूल आ चुका है, और हम लोग निकल चुके हैं, बस ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। बस अब जाना है हमें रामपुर शोएब भाई को उठाना है। उन्हें तो लग रहा होगा कि भाई इन्होंने आज फिर हमारे चूतिया गाड़ी से प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन बस अब 3 बज चुके हैं, 4 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह रामपुर। फिर तो भाई 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग अजमेर। तो बस अब निकलते हैं भाई आगे। 4142 का कर देना, 4200 का कर देना पूरा। पहले हम ना ऐसे करके फुल करवाते थे, जैसे ना फ्री में मिल रहा है ऐसे ऐसे हिला हिला के फुल करा लो, अंदर तक पहुंच जाएगा। तो बस 4200 इतने का, 42 का 4200 का कर देना। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं रामपुर भाई, कैसा रह रहा है माहौल आदिम भाई? बहुत बढ़िया। हाँ तुम्हें कहते नींद आ रही है भाई जी, तुम्हें नींद आती नहीं जल्दी। हाँ मेहनत हो रही है भाई, तो लोड आ गया ना भाई, शादी है तो जब जिम्मेदारियाँ आती हैं इंसान के, वरना तो थोड़ा चेंजअप होता रहता है लाइफ में भाई। कुछ नहीं, सही बात है। तो भाई बस क्या, चलो चलो अभी 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 जरा था ना, तो हम रामपुर पहुंच गए भाई। बस शोएब भाई को ले लें, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं भाई, और बस भाई को पिकअप करते हैं फिर हम लोग निकलते हैं। जब तक कुछ प्राइवेट टॉक करनी है, नई चाहत होती है ना, नया प्यार, नई चाह, नई नई मुलाकातें बड़ी भाई मजेदार होती है। बड़ी मजेदार होती है। तो भाई पहुंच गया भाई, शोएब भाई आ रहे हैं, उन्हें लेते हैं हम लोग, निकलते हैं। रामपुर पहुंच चुके हैं भाई ये लोग हम, और हमारी गाड़ी ना हमने फ्यूल अप तो फुल करा लिया। तो हमारी गाड़ी दिखा रही है भाई, वहां दिखा रही थी 45 किलोमीटर चल रही है भाई हम, 791 किलोमीटर। तो भाई हम एक वन टाइम में पहुंच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे हमारी लोड भाई, बिल्कुल लोड हो चुकी है हमारी गाड़ी। आप देखे कहते टायर बिल्कुल डाउन अप पहुंच चुके हैं, और ये पीछे क्रू मेंबर पीछे पहुंच चुके हैं हमारे। भाई शोएब भाई आ चुके हैं भाई, माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे हो, जो फिट लग रहे हैं, बिल्कुल फिट हो गए बिल्कुल। हैं सामान रख ले? हाँ बिल्कुल रखे भाई, बैग हमारा बिल्कुल रखे। हाँ बिल्कुल भाई बैग रखे। अरे अभी बहुत जगह है, वो तो हमने ना वो बढ़ा दिया है, ये रखे मैं सेट करता हूँ भाई। एंड 300 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया, और मैं कंटिन्यू ड्राइव कर आ रहा हूँ। और भाई ये देखे ये सनराइज देख रहे हैं पर भाई ठंड क्या जा रही है शोएब भाई? ठंड बहुत हो रही है। तो भाई अभी जो है सुबह हो चुकी है, और भाई उतरे हैं, थोड़ा रेस्ट लिया है, कंटिन्यू चल रहे थे 300 किलोमीटर लगभग चल दिए हैं, तो थोड़ा सा बाहर ठंड का माहौल है। तो खाली टी शर्ट पहना, मेरे तो बैग में रखे हुए, तो कोई बात नहीं भाई। वो चलते हैं यहाँ से, कंटिन्यू चल रहे हैं हम, क्योंकि हमने हो गया था बहुत लेट, हमें निकलना था। शोएब भाई कितने बजे निकलना था? हमें निकलना था रात 11:30-11:30 बजे, लेकिन हम लेट हो गए, 4 बजे निकले हम जी। अभी 6-7 बजे, 6:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह 350 किलोमीटर हमने कम्प्लीट कर दिया भाई। बस अब जल्दी और आगे चलते हैं भाई। अच्छा दो और पानी भी आया था जी, बोतल है फिर हाथ के आएगा, जितना आएगा उसके बाद बोतल में क्या हाल होगा ये तो देखो भाई। बस ये थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। चाय वाय पीनी है तो बता देना, रोक चाय वाय पीनी है। अरे यहाँ तो कहीं मोतने का भी नहीं मिला चाय की, तो बहुत दूर की बात है कि तो बस गई थी उन्होंने कर लिया शुशु कर लिया। अरे अंदर कर लेंगे, बंद कर दे यार।
तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है एंड अभी देखें भाई हल्की हल्की सी बूंदें, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही है और भाई बाहर निकल के हो गई किकी, सबके जुड़ गए किकी किकली है बहुत प्यारा। अरे हम पीछे ना वो उसकी ट्रक की लाइट आ रही, मैंने तुम्हें फोन में देख रहा, मैंने पीछे सनसाइड कहाँ से हो रहा है ये। तो बस भाई अब देखिए बस चल चुके भाई हम लोग जयपुर के लिए, नेक्स्ट स्टॉप है हमारे जयपुर, बीच में रुकना नहीं हमें कहीं पे भी, सीधा जयपुर जाके। तो इंशाल्लाह अभी बज रहे हैं भाई 7 बजने वाले हैं, 10 बजे तक जयपुर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो भाई तो हम लोग मुंबई एक्सप्रेस वे एंटर कर चुके हैं और भाई इतना प्यारा एक्सप्रेस वे ना, इससे पहले भी आए थे हम जो रैबा हम लोग आए थे तो नाइट में करा था ट्रैवल, तो इतने ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। मॉर्निंग का व्यू है ना, इतना प्यारा व्यू है भाई, और इधर सारे मज़ा आ रहा है भाई ड्राइव करने में, मज़ा आ रहा है, मतलब नींद सी तो ना उड़ सी जैसी गई है, इतना मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। तो बस भाई अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाकी सब सो रहे हैं, मैंने कहा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हम लोग सो रहे हो जितने सुना है, बस मज़ा आ गया भाई रोड में ना, मज़ा आ गया। जिस दिन ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा ना भाई इतना बढ़िया हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि घूम रहे कब चले गए। प्लान है हमारा भाई रोड घूमने जाने का, तो बस अब आफ्टर रमजान हम इसे कम्प्लीट करेंगे भाई। व्यू देखो भाई क्या व्यू है यार भाई, अगर यहाँ स्पीड लिमिट 120 नहीं होती ना मज़ा आ जाता गाइस। ये पानी ना पानी नीचे जाने की वजह, इसमें कैमरे में देख नहीं पा रहा भाई पानी नीचे जाने की वजह ना स्पीड से पानी ऊपर जा रहा है भाई। देखे तो गाइस देखिए पानी ना नीचे, देखो पानी ऊपर गिरता नीचे जाता है ना, और ये देखें कहाँ जा रहा है, आपको इसमें कैमरे में दिख रहा होगा तो दे बताइएगा कहाँ जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऊपर जा रहा है। मैं स्पीड नहीं दिखाऊंगा आपको नीचे ना, बिल्कुल ऐसे ऊपर देखिए जैसे ऊपर बारिश वापस जा रही है। नैनीताल वाले पहाड़ यहाँ कैसे आ गए, ये कौन सी जगह आ गई, यहाँ कैसे पहाड़ आ गए राजस्थान में, अभी हमें पता नहीं भाई हम हरियाणा में या राजस्थान में चले जा रहे हैं। तो गाइस सब लग रहा है मतलब आसपास ये देखे सूखे सूखे वो पहाड़ देख के ना शेप भाई कि हम लोग आ गए राजस्थान भाई। भाई सुबह तो हो चुकी है, बज गए 8:16, 4:36 ड्राइव कर लिया हमने, लेकिन अभी पीछे की महफिल सो रही है बस भाई मज़ा आ रहा है भाई इस रोड पे ना ड्राइव करना, ऐसा लग रहा है मुंबई से सीधा मुंबई निकल लो, बहुत बड़ी और होती भाई पता सडान गाड़ी होती ना। तो गाइस अभी मॉर्निंग हो गई है, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और ये उठाया गए ने बहुत ज़बरदस्ती, चाय आई भी रखी है भाई, जब भी चाय नहीं पी रहे भाई हम चाय पी रहे हैं, शुभ भाई ने बीच में साथ निभाते रहे हमारा लेकिन बहुत बढ़िया सफ़र रहा भाई एक्सप्रेस ना, उस दिन अपने रात को आए थे कुछ नहीं पता चला था क्या है, अब दिन में पता चला एक्सप्रेस है क्या भाई, मज़ा आ गया सच में। टोल भी ऐसी कटी खटक खटी खटक 350 का कटा ये वाला टोल, 350 रुपये का चाय भाई, वहाँ खुद ही चेक कर लिया बढ़िया। गाइस ये ब्रेड टोस्ट आए तो भाई हमारी चाय खत्म हो गई, चाय अब आ रही है दोबारा तो भाई फिर हमारे ब्रेड टोस्ट खत्म हो गए, क्या हो रहा है भाई ये है प्रधान जी क्या हो रहा है राज में सब चल रहा है भाई, वेदर अच्छा है भाई मौसम मतलब वेदर बहुत अच्छा है, और भाई दो चाय चाहिए, हाँ दो चाय इसमें थोड़ी थोड़ी डाल दो बस बस। चाय कितने की भैया, और बिना कुल लड़के जतीस की है, चलो फिर ठीक है भाई जी अरे मतलब कुल्लड़ मार बच्चे ना ये वाले मेरे भाई इसलिए कह रहा मैं, ये भाई लंबे लंबे ये जा भी तो इतना सारा है इतना सारा इसके अंदर। तो बस भाई ये चाय वाय पी लिए, अभी भाई कुछ लेना है ले लो, हाँ पहले वाली चाय भाई बढ़िया बनाई थी आपने, दूसरी वाली जल्दी जल्दी में ले आया तुम उस्ताद, हाँ नहीं पहले वाली तो बहुत बढ़िया चाय बनी थी, मज़ा आ गया पहले वाली, चिप्स ले लेते हैं साल्टेड वाले हाँ सादे। तो गाइस ये देखिए चिप्स वगैरह आज कितने पड़े हैं, पीछे भी एक पूरी पन्नी पड़ी होगी, हाँ कल खा गई निपटा दी तुम भी तो भूखा ले आया यार उस बंदे को, पूरे रास्ते भूखा ले, गलत बात है।
तो गई चाय भाई पी ली भाई हल्की फुल्की, बस सब निकल रहे भाई यहाँ से हम लोग सीधा अजमेर। भाई मेरे गाने अंगूर भाई को गाने किन्नू, तो थोड़े थोड़े ले लेते हैं किन्नू, वो कह रहा चुनू रे लेगा। भाई जी की रात से ना बिल्कुल पीछे ही हो गया भाई, वो कह रहा आज जितना मैंने आराम करा ना इतना मैंने कभी नहीं करा। गाड़ी चलाते भाई जी फ्रेंड रोड पे रहते, और भाई मेरे अंदर मेरे को पंप हुआ हुआ इमोशन बिल्कुल कंटिन्यू आ रहा है रुकते रुकते, और इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ अजमेर तक मैं ही खेल दूंगा, एक घंटे का रास्ता हो जाए। बच गए आज लल्ला भाई, शुएब भाई दिखा रहे हैं कैसे धुलते हैं। यस वैसे ना बिना धुले खाने का ना मजा अलग है भाई, सारा प्रोटीन और क्या भाई, सारा प्रोटीन तो खत्म हो गया, क्या फायदा इसका भी, प्रोटीन चाहिए था। अरे और क्या भाई, देसी देसी बिल्कुल, ये छह बार दो ना। तो गाइस अब लोग निकल रहे हैं भाई, किन्नू खा रहे हैं, मुझे थोड़े से अंगूर खाने थे, मैं खा के देख लूँ कैसे। तो गाइस थोड़े से फ्रूट वगैरह लेने थे, निकल लिए हम, बढ़िया करके धोए शोएब भाई ने बिल्कुल अंगूर एकदम। किन्नू क्या था, खाओगे नहीं? अभी गाइस अभी हम किन्नू भी खा रहे हैं, खाते पीते चलते हैं, ये जो हमारी अभी ट्रिप है ना ये हेल्दी खा रहे हैं अभी तो, सुबह अभी तक तो हम हेल्दी हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी है आगे का पता ही नहीं। बड़ा मीठा मजा आ गया, अरे शुएब भाई आपकी तो बात अलग है यार, निराली बात है आपकी, वो भी यही कहते कहते चले गए बेचारे, मिले थे क्या कह रहे थे। एंड गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये ना बहुत बुरी वो है पुलिस यहाँ की भाई, हाँ अजमेर पहुंच गए। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अजमेर, गाइस अभी हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर पहुंच चुके हैं, 12 बज चुके हैं और बहुत आराम से इजीली अच्छा सफ़र रहा हमारा बहुत माशाल्लाह। बस होटल लेते हैं भाई, गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगानी पड़ेगी हमें, फिर अंदर से जाना पड़ेगा। तो गाइस पहुंच गए हम लोग, लगेज निकाल लेते हैं भाई, लगेज तो इतना है देखें। बड़ी जल्दी जल्दी में कपड़े रखे शुएब भाई ने, ये सारे जितने कैरी बैग्स दिख रहे हैं शुएब भाई, ना 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 ये तो पहले ही दिख जाएगा जब वो ब्लॉग स्टार्ट होगा ना रामपुर का, जब भी दिख जाएगा कितना है कितना नहीं। और भाई हम लोग पहुंच गए हैं, कंटिन्यू ड्राइव करिए तुम्हारे भाई ने अकेले नॉन स्टॉप लेकर आया, बिल्कुल क्या तो मेरे भाई 8 घंटे में आ गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं 10 घंटे भाई, 4 बजे से जोड़ोगे तो 10 घंटे जोड़ो क्या थे, 12 बजे जोड़ लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 घंटे हाँ तो कोई बात नहीं, 2 घंटे रुके भी तो हैं, इतना कोई बात नहीं है, मतलब टोटल तो 9 घंटे में जर्नी अपनी पूरी हुई है, 677 किलोमीटर भाई, लग जाती है भाई, ये तो रोड खराब है पहले, अब तो सही है, खराब में भी आया हूँ मैं, अरे घर से निकलती लग जाती है भाई, ये जाएगा क्या इतना सामान, रिक्शा तो वहाँ तक जाएगी नहीं ना दरगाह तक पूरी, हाँ गेट उठ तू चले भाई सामान उतार भाई, आप अपना सामान उतार लो सारा, और रुको छोटा सा एक ये कुर्ता पजामा तो पहचान ही सकते हैं, ये कलफ लगा हुआ लो, ये मेरा है बस, ये भी ये हमको, ये स्लीपर है मेरे, हाँ ये जरूरत होती है वो मेरी है, ये छोटे थोड़े से कपड़े हैं, दो जींस हैं, हाँ और ये बैग तो है उठी कार आई है, इसमें मेरा टायर इतना है, जी जी और साबुन है सोप है ये सब चीजें हैं, यस क्योंकि भाई हम लोग 2-3 तारीख को निकलेंगे यहाँ से, तो बस इसलिए तैयारी, हुक्का भी उठाई लूँ फिर मैं सारा उठाई लेता हूँ सारे, इसमें भाई शीशा मारा पहले चलता साथ। कैसी लगी आपको इसकी सवारी, बढ़िया। तो भाई आ गए होटल, आ गए हम लोग, और ये देखें एक दिन के कपड़े, पीछे को आज क्यों चले जा रहा है। तो गाइस ये हमारा रूम है, हम लोग पहुंच गए भाई, और एंड अभी जो है ना भाई थक चुके हैं, सोच रहे हैं कि अब हम लोग ना बस नहा लें, नहा लो के सोएगा कोई नहीं, हाँ भाई सोएगा।
हाँ सोएगा कोई नहीं। और भाई ये हमारी बालकोनी और ये बाहर का मंजर देखे माशाल्लाह। और ये भाई सीधी सामने दरगाह आते ही ना भाई इन्होंने ना आते ही इन्होंने ये छोले भटूरे मंगा लिए भाई सुबह 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 दोपहर होगी खा लो बाकी भाई ठंडे हो रहे हैं रखा हुआ है तो खा लो। तो भाई पहुंच गए अब थोड़ी देर से सोच रहे थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर ले एक दो घंटे फिर हम लोग निकलेंगे नहा धो के दरगाह के लिए। तो गाइस आते ही भाई खाना खाने लग गए छोटू उठ कुछ नहीं कर ऐसी भूख लग रही थी घर पे शौक से खाते हो दाल चावल देख रहे भाई दाना दाना नहीं छूट रहा इसलिए क्योंकि भूख लग रही थी खाना तो हो गया भाई मैंने भाई फ्राइड राइस खा रहे हैं वो बस खाना वाना खाते अभी हम सो जाएंगे फिर करेंगे मगरी में दरगाह गाइस हमारा सैंडविच हो गया भाई ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा उठ के ना सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है चाय पियो के निकालो निकाल ले नहा के भी ना यार भाई जी यार फिर मतलब वो कहते हैं ना गरम गरम चाय पी के नहाओगे ठंडा गरम हो जाएगा सब दम है पर यार शुगर मंगवाई नहीं ब्रो यार ये शुगर लेस चाय है ना शुगर लेस। तो भाई ये आ गए हमारे वेज ग्रिल सैंडविच मंगाए थे आ चुके हैं और भाई कच्चा वगैरह भी चाय भी पीते हैं फिर निकलते हैं दरगाह के लिए। तो गाइस देखिए अभी निकल रहे हैं भाई टाइम तो ना बस 9:30 बज गए निकलते निकलते जब एक बार सो जाए ना इतना ज़्यादा आलस होता है भाई निकलने में ना बड़ा लेट वेट हो जाता है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह के लिए फिर चल रहे हैं नीचे अल्हम्दुलिल्लाह अभी दरगाह के लिए निकल चुके हैं लेकिन बच चुके हैं 10। मॉल चेक करें भाई यहाँ के आपका कितना माशाल्लाह कितना एकदम रौनक लगती है अभी तो मतलब क्राउड कम है। खाना कुछ खाना पहले इधर आ जाओ फिर। तो गाइस अभी हम पहले सबसे पहले जा रहे हैं दरगाह उसके बाद हम कहीं पे भी जाएंगे तो चलते हैं दरगाह के। तो गाइस अभी तो अभी ले रहे हैं टोपी में ना जल्दी जल्दी ले आया था घर से ना बिल्कुल 15 में टाइटेनियम नेचुरल टोपी ग्रे उड़ाई भाई ग्रे भाई वो ग्रे वाली दे दो इन्हें वो ग्रे वाली उधर वाली भाई कैसी लग रही है आप बता दो। तो भाई दरगाह पे पहुंच गए हैं अब दरगाह जो है बंद हो गई है और हम लोग यहां पे हैं तो बस कैसा कहाँ जा रहे हो कहाँ गए थे भाई बड़ा मतलब बड़ा प्यारा माहौल हो रहा है और बहुत सुकून मिलता है अब यार। तो गाइस अभी देख रहे हो चंदा सारे मतलब इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे मुंशीदार नहीं थोड़ा सा भाई अभी तो चंदा की हमें खिदमत कर रहे भाई हम यहाँ पे चंदा सारा मतलब पैसे अलग करेंसी डाइवर्ट कर रहे हैं भाई। तो भाई चंद वो जो कर रहे थे ना फ्रूट चेंज कर रहे थे जो फ्रूट ड्राई फ्रूट्स आ रहे थे थोड़े से मैंने अलग कर लिए मैंने पूछ लिए कि भाई ये मैं ले लूँ तो भाई ये मैंने ले लिए और लेके थोड़े से खा ले। ये भी तो पीने रहा था सब मिल गया था मैंने तो भाई चलो। तो गाइस अभी जो हम भाई खाना खाने जा रहे हैं पहले हम आते थे सुकून इन पे तो इस बार सोच रहे हैं कि हम कायनात पे खा लेते हैं बहुत प्यार है। नहीं होटल मतलब खाने से फायदा करो ना आज तो अभी ना भाई क्या कह रहे हो कायनात नाम भी बढ़िया है ना। अच्छा तो भाई चाचा ने रेकमेंड करा था कि भाई इस बार तुम खाओ ना सब चाचा आए थे तो कि कायनात होटल का खा के देखना तो एक बार ट्राई कर लेते हैं तुम शोब भाई एक बार दूसरे भाई ट्राई कर लेते हैं इसमें तो खाते ही हैं खराब होगा तो एक ही बार तो होगा और एक ही बार खाएंगे ना भाई जो है अच्छा खा लेते हैं। अरे बुरा थोड़ी होगा मॉर्निंग में करेंगे ना। अरे आओ यार यहीं खाएंगे बढ़िया वाली आओ मसाला बिरयानी एक बार कैसी खाई थी याद है तुम्हें। अरे बहुत ही बड़ी भाई दूसरे का ऑर्डर रखा हुआ था भाई ऐसी भूख लग रही थी अब हमने ये ला दे भाई एक फुल तंदूरी एक मसाला ओ मसाला बिरयानी मटन जा छेती भाई जल्दी पटाओ पापड़ 3 लेकर आना है ना ड्राई है पापड़ लेकर आते पाव भाजी ये लेकर आओ यार पापड़ भूख लग रही कुछ भी खा लो इतना बड़ा पापड़ रोड किसी रेस्टोरेंट में नहीं देगा आज मैं यहाँ का इतना बड़ा पापड़ रमजानों में बनता हमारे घर में रमजान आने वाले। तो गाय ये फुल है ये वाह भाई वाह हटाना नैपकिन होल्डर लीजिए शुभ भाई शुभ भाई आ गया भाई हमारा स्टार्टर आ गया जब तक ये खाते हैं कंफर्म करी थी उससे कि भाई पापा जी है वो ले आया तो छोड़ने वाले थोड़ी हैं है? बच के कहाँ जाएगी है भाई जहाँ मिले मार दो और आ जाओ फिर।
तो गाइस अभी आ गए थे दरगाह से, खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने, अभी हम लोग निकल गए भाई अनासागर। यह है भाई, तो क्योंकि थोड़ा सा आउटिंग वगैरह कर लें सुबह से, मतलब जब से आए हैं दोपहर से तो बस यही थे, और जब तक रात को एक आध गेड़ी वेड़ी नहीं लगे ना इधर जाना, जब तक मज़ा नहीं आता। तो गई थी आ गया ना सागर भाई, यहाँ ना शाम के टाइम आओ ना, बहुत अच्छा मतलब रहता है माहौल है भाई। अच्छा भाई, क्योंकि यहाँ ना आउटसाइड में चौपाटी जैसा ना स्टॉल्स लगते हैं छोटे छोटे, तो अभी तो हम आ गए थे, हमने कहा यार बस यहाँ थोड़ा सा बैठेंगे, फोका पीएंगे थोड़ा, यहाँ तो पी सकते हैं, ऐसे लगा लेंगे, हाँ गाड़ी में लगा लेंगे, पाइप ले लेंगे उधर को, क्यों भाई बिल्कुल यहाँ रख लेंगे गाड़ी में आराम से ले लेंगे। तो गाइस ये तो हमारा खुल गया पिटारा भाई, हमेशा ना हर्बल फ्लेवर यूज करना चाहिए विदाउट निकोटिन। कौन सा है दिखा दो इसका, ऐड कर दो 360। हाँ पेट प्रमोशन कर रहा हूँ ना भाई यहाँ पे बैठ के, तो भाई उपका बना ले रहे हैं अपने तो ना, वैसे ही भाई शीशा अपना हर जगह साथ चलता, लेकिन ना अपना वो क्रेज नहीं रहा पहले जो पीने वाला था ना, वो क्रेज नहीं रहा इसकी यार। प्लेट हमने खुद ही जो अपने दोस्त नहीं आए थे वहाँ पे अपने, उन्हें 203 में पिला रहे थे हुक्का। प्लेट ऊपर के नैनीताल ना ना ही जो रुद्रपुर में रुके थे, आवाज विकास हाँ 203 में भाई। खाना वाना हो गया था सब कुछ, तो थोड़ा सोचा थोड़ा उड़ा पी लिया, पेट को थोड़ा संतुलन कर ले क्योंकि भूख में ना एकदम ज्यादा ज्यादा खा लिया भाई। है भाई किस बात पे कह रहे हो? तो भाई अभी पी रहे हैं सोडा भाई, जो ना मैनुअली बना रहे हैं, बहुत बढ़िया सोडा बना रहे हैं, प्रेशर बहुत अच्छा है इसका। गाइस अभी चल रहा है थोड़ा रिलैक्स मोड चल रहा है भाई, बज रहे हैं रात के कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे भाई, 3:12 3:12 हुआ पता नहीं चला इतना टाइम, और यहाँ भाई बाहर बैठ के बाहर बैठ गए यहाँ भाई, थोड़ा चिल मोड चल रहा है हमारा भाई, मज़ा बहुत बढ़िया मसाज करते हो भाई आप। जब भी इन्हें आपको मसाज करानी हो भाई अजमेर में मिलते हैं, नंबर बता दो अपना 9521786318। यस नाम बता, बहुत बढ़िया मालिश अजमेर। सुबह से मेरी तो नींद पूरी नहीं हो पाई, रात भर भी मैं सोया नहीं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके भाई, अल्लाह।